ये राइड का नाम है भाई डांडी से दिल्ली मोटरसाइकिल एनसीसी जावा यूएसडी के साथ कोलैबोरेशन में एक राइड है जिसमें ये जितने भी एनसीसी के राइडर्स हैं ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह होते हुए और अभी जयपुर पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए हम लोग शोरूम पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार भाई लोगों, सबका फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी जा रहा हूँ मैं जावा के शोरूम। मनीष जी का फोन आया था 6:30 बजे, पहले असेंबली थी, एक रैली पहुंच रही है लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव है कि टाइम पहले था 6:30 बजे का और अब अचानक से फोन आया 5:15 बजे कि टाइम हो गया है 5:30 बजे का। तो इतनी शॉर्ट नोटिस पे तैयार होके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, लेकिन क्या होता है फौजी टाइप के जो आदमी होते हैं ना भाई, सब चीज़ तैयार रखते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी थी, गाड़ी में तेल हमेशा लगभग सही रहता है, ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होता है। फटाफट कपड़े डाले, गोप्रो लगाया और निकल गए हैं भाई। थोड़ा सा तो लेट होंगे खैर, बट फिर भी भाई जाम को देखते हुए तो नहीं लग पा रहा कि 15-20 मिनट में पहुंच पाऊंगा। और गाड़ी से तो खैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, बाइक तो फिर भी दाएं बाएं से निकाल के शायद निकाल लें, बट पता नहीं भाई जयपुर में इतनी भीड़ क्यों होने लग गई। दिन में स्कूल का ट्रैफिक, रात को ऑफिस का ट्रैफिक, बुरी तरह जाम लगा हुआ है भाई, बुरी तरह से। यूट्यूबर वाले बच्चे हैं, इन्होंने चैनल का नाम पूछा कि आप यूट्यूबर हो क्या, और अभी सर्च कर रहे हैं। चलो जब तक अपन निकल रहे हैं वहाँ तक, तब तक आपको बता दूं आज की ब्रीफिंग। रेडर्स के आगे क्रू है, CREW। वेलकम। तो भाई आज जहाँ जा रहे हैं उस इवेंट में एनसीसी के कुछ बंदे आने वाले हैं, जितना मुझे समझ में आया वो लोग पूरे इंडिया के एक राइड पे निकले हैं और अभी जावा वालों के साथ उनका कुछ टाई अप है, तो इसलिए अपन जावा की तरफ से जा रहे हैं। रेड लाइट का कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या रेड है क्या ग्रीन है, कब रेड हो रही है कब ग्रीन हो रही है कुछ नहीं पता चल रहा। चला इस एलिवेटेड रोड का, इसकी वजह से अपन पहुँच जाएंगे बिल्कुल टाइम से। अगर पूरा नीचे से जाना पड़ता तो बहुत ही मुश्किल होती। इसने कम से कम 15 मिनट का टाइम कट कर दिया वैशाली नगर का। अगर जाम में से होके जाना तो 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप लोग भाई अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखना। अभी एनसीसी के बंदे से मिलेंगे, जितने भाई लोग राइडर्स आए हुए हैं उन सबसे मिलेंगे और वहाँ जो भी इवेंट होने वाला है देखते हैं। मनीष जी ने बुलाया है तो जाना तो था ही, घर पर बैठे हुए थे ठाली क्या करते हैं। पर भाई मज़ेदार रोड है, मज़ेदार। ये तो शुक्र है टू व्हीलर्स अलाउड कर रखे हैं इसके ऊपर, अगर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होते तो दिक्कत होती अपने को। तो भाई अपन पहुंच गए हैं जावा शोरूम, यहाँ तो ट्रक खड़ा है भाई, बाकी तो पता नहीं। अच्छा एक आर्मी की गाड़ी आई हुई है ये, और बाकी लोग कहाँ हैं। हमीर वना दिख रहे हैं, मनीष जी दिख रहे हैं, बाकी लोगों का पता नहीं। मनीष जी क्या रिव्यूज है इसके लिए आपके, अभी कुछ बता रहे थे आप। नहीं मतलब ऐसे ही बैठने वाली बता दो यार, बिना चलाए वाले बता दो। और एक चीज और बताओ, अपने जावा में क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग ही चलता है क्या, मतलब कभी भी साला एक घंटे से पहले कुछ होता ही नहीं है जब भी आओ तो। अब अपन बैठ के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। 5:30 बजे बुलाया था हमारे को, 4:45 तो खैर मैं ही आ गया था 5:30 का, और लगभग एक घंटा हो गया है यहाँ पे आए हुए। अभी तो जिनसे मिलना है जो रैली वाले उनका नामो निशान है ही नहीं। तो ये भाई एनसीसी के जितने कैडेट्स हैं जिनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, पहुँच गए हैं लगभग 6:30 का जो टाइम था यूजुअली उस पर आए हैं, और अब यहाँ पे आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो
एनसीसी के 75 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में ये राइड रखी गई थी। और हमारे मनीष जी भी इसका एक हिस्सा है, वो हमारे मनीष जी का रहे। ये रहे एनसीसी जावा यूएसडी मोटरसाइकिल रैली डांडी से दिल्ली सॉल्टो सॉफ्टवेयर तक का सफर। हमारा जो ये कैंप है वो वैसे तो भारत की जो विकास यात्रा है वो दर्शाने का कैंप है, जहाँ हम अलग अलग जगह जाके हमारा मैसेज कन्वे कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाने का। लेकिन किसी भी सफ़र के लिए मजबूत साथी होना बहुत ज़रूरी है। अगर साथी कमज़ोर है तो हम मंजिल को नहीं पा सकते। तो हमारा ये मजबूत साथी जो बना है वो जावा यूएसडी, जिसने हमें हमारे सफर को खूबसूरत भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। सो नाउ द इवेंट इज ओवर और हम लोग भी निकल रहे हैं अब घर के लिए। काफ़ी टाइम लगा, अच्छा रिफ्रेशमेंट मिला, एक अच्छी गाइडेंस मिली और एक अच्छा माहौल देखने को मिला। वापसी का जो कंफ्यूजन हो रहा था ना भाई, वो अब समझ में आ गया कि यहाँ से चढ़ना है तब वो अपन को 22 गोदाम का और वो सब क्रॉस होके तब उतरेंगे हिल्टन होटल और वो सब क्रॉस करके। यहाँ से चढ़ने पर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि पीछे से तो नहीं चढ़ रहा है, अब आ गया समझ में। तो गणपति बप्पा आएंगे एक दो दिन में आपके दर्शन करने के लिए। भाई लोग नई गाड़ी लाए हैं स्कॉर्पियो। जय हो गणेश महाराज की, जय हो। ये भाई दीपेश जा रहा है, देखो एक हाथ से स्कूटी चला रहा है, एक हाथ में फोन है, एक पांव नीचे है ब्रेक मारने के लिए। ये है भाई स्टाइल दीपेश भाई का। ये देखो काम की कॉल है, ऐसा नहीं फालतू की कॉल है, किसी ना किसी क्लाइंट को डील कर रहा होगा। भाई यहीं से शुरू किया था और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मतलब इसी लिफ्ट में एंड करते हैं। आई होप आपको इस ब्लॉग में मजा आया होगा, मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।